ऊपर की साइड देखिए चट्टाने कैसे लटकी हुई है। बद्रीनाथ की गलियों में हम घूम रहे हैं अभी। जीता जागता स्वर्ग है। ये देखिए हाथ में तो धुआं निकल रहा है। इनके जितना खुश होना लाइफ में। और हमारी बाटिया सिक चुकी है, अब आया ना कलर। फाइनली चूरमा तैयार है, ये होगी पूरी सर्विंग प्लेट में। आज तक का सबसे बेस्ट अनुभव है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। भाई लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कैसे हमने रास्ते में रुक के लंच बनाया। बद्रीनाथपुरी के रास्ते में थे हम, वहां से हम आगे आपको लेके चलते हैं बद्रीनाथ जी, और वहां पे भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, और उसके आगे आसपास कहीं पे अच्छी सी जगह देख के आज कैंपिंग करनी है। आज बहुत मन है अगर मौसम सही रहा तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर बद्रीनाथपुरी। बोलो श्री मनसा माता की जय। तो देखिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये सामने टॉयलेट दिख रहे हैं, ऐसे टॉयलेट आपको हर एक किलोमीटर पर मिल जाएंगे, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो टॉयलेट के और खाने पीने के आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सामने का नजारा देखिए, अभी है झरने के बीच में से हम गाड़ी निकालेंगे। थोड़ा रास्ता यहाँ पर खराब है, उधर बस रुक रखी है हमारे लिए, यहाँ पे पास देना पड़ता है। और आप झरना देखिए यार, सामने का पहाड़ देखिए, तीन पहाड़ एक जैसे, मतलब एक ही स्थिति में है, एक के पीछे एक, और ऊपर बादल देखिए। मतलब ये आप कैमरे में मेरे हिसाब से 10% भी नहीं देख पाएंगे जो फील हम यहाँ पे लाइव देख के कर रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है शिव जी का जैसे त्रिशूल होता है ना। हाँ, सेम सेम। बहुत कम ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये देखिए जी, ये देखिए ऊपर की साइड देखिए चट्टाने कैसे लटकी हुई है, और ये देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है। ये देखिए जगह जगह से ऐसे छोटे छोटे से वॉटरफॉल टाइप है, पहाड़ों में से पानी रिसता रहता है ना। ये तो पूरी मम्मी देखो छत है ये तो। हाँ, देख। ये देखिए जी सामने कितना बड़ा डैम है, देखो मम्मी। अभी शायद इन्होंने पानी स्टोर कर रखा है, इतना पानी छोड़ा नहीं है अभी। ये देखिए जी एक पावर प्लांट है यहाँ पर, और डैम भी है साथ का साथ। पर देखिए दोस्तों कितना ऊंचाई से झरना आ रहा है, मम्मी देखो सामने से, मतलब पता नहीं चलता कहाँ का कहाँ। मतलब जितनी बार आप मुड़ोगे ना उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा पहाड़ों में। वो देखिए सामने पहाड़ी पर शायद आप लोगों को दिख रहा है एक झरना, उसके आगे देखो मैं एक और झरना। तो गाइस इतनी देर तो रास्ता अच्छा था, अब यहाँ से थोड़ा बहुत ये कच्चा रास्ता है ना इस टाइप का, ये आपको बारिश में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, टायर वगैरह स्लिप होता स्लश हो जाता, तो बाकी तो ठीक है यार, अच्छा रास्ता है। क्या हाईवे आया है दोस्तों, क्या हाईवे आया है देखिए, बहुत ही बढ़िया, कोई सोच नहीं सकता इतनी हाइट पर और ऐसी जगह ऐसा हाईवे। लो जी तो हम हनुमान चट्टी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, 2 मिनट दर्शन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। तो दोस्तों बद्रीनाथ जी के रास्ते के बीच में आती है हनुमान चट्टी, देखिए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, और आपको काफी ऐसी दुकानें मिल जाएगी यहाँ पे, आपको लोकल आइटम मिल जाएंगे, प्रसाद मिल जाएगा। ये ब्रिज क्रॉस करते आएगी आपको मेन रोड पर ही दिख जाएगी, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। जय जय गुरु, जय जय गुरु, सामने जय बजरंगबली। हाँ जी, तो यहाँ से सही 10 किलोमीटर बता रहे हैं, और माणा विलेज है भारत का आखिरी गांव, सीमांत गांव जिसे बोलते हैं, 14 किलोमीटर। चलिए जब फटाफट खेसते हैं 10 किलोमीटर, मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ये देखिए जी, ये देखिए कुदरती झरने, आपकी गाड़ी भी धोते रहेंगे बीच बीच में, पानी गिर रहा जो देखो गाइस पहाड़ों पे से। ये जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है ना आने वाले टाइम में सब अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों सामने पंगा हो चुका है और पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है, दोनों गाड़ियां भिड़ गई शायद आपस में, चढ़ाई बहुत ज्यादा है। ये अपन ने खेस दीजिए, और इतना ऊपर आते हैं अब हमें ठंड का एहसास होने लग गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ऊपर अच्छी ठंड मिलेगी हमें और आज की कैंपिंग सक्सेस जाएगी, बारिश ना आए। क्या मौसम है गाइस, देखिए क्या मौसम है। हाँ सामने देखिए दोस्तों,
अब धीरे धीरे धुंध आने लग गई, मतलब बादल, और अभी भी इन बादलों के बीच में से निकलेंगे अपन। और कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगा रखी है, देखो कितनी प्यारी बनाई है। सारे भगवान आ गए ऑलमोस्ट, शिव जी, कृष्ण जी, श्रीनाथ जी। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यटक शुल्क है, इको पर्यटक, वही ग्रीन टैक्स जिसे बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में। अगर ऐसा मौसम रहे ना, मस्त ठंडा ठंडा इसमें कैंपिंग करो, गर्मा गर्म कुछ बना के खाओ और भगवान के दर्शन करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलिए जी, अब हमारा नंबर बताते हैं आपको कितना लगता है। हाँ जी, कितना? 40. कितना? 40. सारी गाड़ियों का सेम होता है, अभी अलग अलग होता है? मतलब हमारी जैसी गाड़ियों का 40 है ना। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और इसी के साथ हमने बद्रीनाथपुरी में एंट्री मार ली है। और सबसे पहली जो हमें धर्मशाला दिखी है, श्वेतांबर जैन धर्मशाला। यहाँ पे धर्मशालाओं की तो कमी नहीं है जैसा कि मुझे लग रहा है, और मैंने देखा भी है नेट पर। और देखिए जी, पहली झलक दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए। शायद मंदिर यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सामने दिख रहा है ना आपको, वही बद्रीनाथपुरी है। ये देखिए जी, सामने बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर, लीला डूंगी 50.50, मतलब आधा किलोमीटर, ऋषि गंगा 0.25। ये 3-4 पॉइंट है यहाँ पर। तो अभी हमारी सागर भाई से बात हुई है, उन्होंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन वो यहीं पर है अभी बद्रीनाथपुरी में। और उन्होंने हमें बताया कि आगे भी गाड़ी आ सकती है, तो हम आगे चलते हैं, जहाँ पे नियरेस्ट हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं वहाँ पर करते हैं। ये देखिए जी, ये है सिटी बद्रीनाथपुरी। जय बद्री विशाल, स्वागतम। सीमा सड़क संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, सामने पार्किंग लिखा हुआ तो है, और वो पुलिस वाले भैया बुला भी रहे हैं। मंदिर में, मंदिर, मंदिर इधर से नीचे, नीचे है पार्किंग। ठीक है जी, तो चलिए जी, बद्रीनाथ की गलियों में आपको घुमाते हैं। और यहाँ से करीब 100-200 मीटर ही मंदिर है। मुझे वैसे पर्सनली बताऊं तो ऐसी गलियों में गाड़ी डालना, और वो भी ऐसी जगह, बहुत डर लगता है, फसनेस है। यहाँ पर भी आपको हरिद्वार वाले भगत जी मिल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमें पार्किंग मिल चुकी है। यहाँ पर आते ही हल्की ठंड का एहसास हुआ है, तो मम्मी को मैंने बोल दिया है आप लोग हल्का हल्का अपना गर्म पहन लो। चेरी को तो हमारे सबसे ज्यादा ठंड लगती है ना। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। शिवाय शूज पहन लो फटाफट। और हमारा शिवाय बेबी देखिए पूरा पैक होके एस्किमो हो गया है। तो यहाँ से 100 से 150 मीटर मंदिर बताया, और पूरा रास्ता आपको गर्म कपड़ों की और इनकी लोकल शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें तो मुझे भी पसंद आ रही है। तो जी, बद्रीनाथ की गलियों में हम घूम रहे हैं अभी, और मंदिर के पट खुलने वाले हैं। 3 बज गए, 3 बजे का नाम लिया था। तो चलिए, सबसे पहले जो काम है दर्शन करने का वो करते हैं, उसके बाद यहाँ पे काफी जगह एक्सप्लोर करने लायक है वो करेंगे। ये देखिए जी, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा, हमारा बद्रीनाथ पूरा मास्टर प्लान यहाँ पे लगाया हुआ है। और बीचों बीच आपको दिख रहा होगा मंदिर और उसके आसपास के सभी, ये देखिए शॉप्स हटा दी जाएगी जिस हिसाब से इसमें दिख रहा है। तो मंदिर से पहले आप लोग यहाँ पे चप्पल जूते खोल सकते हैं और इन्हीं से प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पर। और हमने यहाँ पर ये लिए एक तुलसी माला और एक प्रसाद का डब्बा। और यहाँ से तप्तकुंड का रास्ता है, वो भी आपको दिखाते हैं। भैया पट कितनी बजे खुलेंगे? 3 बजे। 3 बजे मतलब खुलने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जूते चप्पल खोल दिए और यहाँ से भैया से प्रसाद ले लिया। आप चलते हैं सबसे पहले भगवान के दर्शन करने, पट खुलने वाले हैं। लाइन में लगते हैं और भक्तों की जैसे, ज्यादा लंबी लाइन मुझे नहीं दिख रही, करीब 100 मीटर की लाइन है, तो मेरे हिसाब से आधे पौन घंटे में नंबर आ जाएगा। इनके जितना खुश होना लाइफ में, ऐसी 24 कैरेट प्योर स्मेल बहुत कम लोगों के देखने को मिलती है। जल्दबाजी में हम सब मम्मी को छोड़ के सब मोजे पहन कर आ गए, और इतने ठरने लग गए ना पैर, बहुत ठंडा पानी आ रहा नीचे से। ये देखिए जी, ये देखिए भीड़ देखिए आप, वैसे इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा है, और भगवान के दर्शन के लिए कुछ भी नहीं है।
देखिए गाइस वहां पे सामने वाटरफॉल भी है एक साइड में, टाइम मिला तो वहां पर भी चलते हैं। ये शिवाय को यहाँ पे कॉइन दिख गया और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप मंदिर का प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। लीजिए प्रसाद का भोग लगा दिया भगवान का, शिवाय के, शिवाय जिद करने लग गया मुझे प्रसाद चाहिए। ये दोनों हाथ में नहीं आएगा। आपके हाथ में नहीं आएगा बेटा, वो बहुत बड़ा है। तो देखिए गाइस आप ऐसा लड्डू ले सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये जो हमारे इधर तो धानी बोलते हैं, जो अनाज होता है ना गेहूँ, उस चीज का है ये। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए भगवान बद्री विशाल जी के। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, ये मेन ध्वजा है, आप लोग इसी का दर्शन करके और एक बार जरूर जिंदगी में यहाँ के दर्शन करिए। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप भगवान बद्रीनारायण का मंदिर। जय बद्री विशाल। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, सागर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं माना विलेज की तरफ। वहाँ पर हमें पता लगे कोई कैंपिंग लोकेशन है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है, गारंटी नहीं कैंपिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अम्ब्रेला के बिना मत आना। एक टिप है, छाता के बिना मत आना। हमारे पास छाता होते हुए भी हम गाड़ी के अंदर भूल कर आ गए, अब हल्का हल्का भीग चुके हैं, इतनी तेज बारिश नहीं है लेकिन जरूरी है यार छाता बहुत ज्यादा। लीजिए जी हमारे जूते लेते हैं यहाँ से। और कहाँ बैठ के पहने, खूब जगह जगह है। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद चरण पादुका भी आते हैं, लेकिन इसका ट्रैक थोड़ा 3-4 किलोमीटर होगा भैया यहाँ से, चरण पादुका 3-4 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। और अभी मौसम बहुत खराब है। अभी हम दूसरा जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तृप्त कुंड है, वहाँ पर चलते हैं, गर्म पानी का कुंड है। काफ़ी लोग बाग यहीं से स्नान करके भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम होटल से ही नहा धोकर आए थे। और यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएगी, प्रसाद की दुकानें तो काफ़ी जगह मिल जाएगी आपको। देखिए जी यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है और काफी गर्म पानी है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी नहाने का तो सीन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत गर्म तेज है, गर्म है, चावल पका लो आप, वही मणिकरण के जैसे ही है। ये देखिए हाथ में तो धुआं निकल रहा है, शायद आपको ना दिखे, ये देखिए गर्म है सच में। तो जी अपनी तरफ तो हो गए तरफ कुंड में चीटे देखे कान हुए स्नान। और मुझे अभी अपने पैरों में भी गरम गरम पानी का एहसास हो रहा है भाई, बहुत गरम पानी है, जितने ठहरे थे ना पैर। तो देखा दोस्तों आपने, दोस्तों देखा, देख लिया, इनको भी देख लीजिए। ऐसे ही मजा आता है यार। देखे जी यहाँ से व्यू देखिए एक बार पूरा बद्री विशाल मंदिर का, और नीचे देखिए अलकनंदा नदी बह रही है और पूरे जोश से बह रही है देखिए। और मौसम बिल्कुल पलट चुका है सच में यार, स्वर्ग से कम नहीं, स्वर्ग ही है यार ये, जीता जागता स्वर्ग है ये। तो देखिए जी सामने मंदिर से आते टाइम इधर मार्केट और है, यहाँ पे बहुत से धर्मशालाएं मिल जाएगी आपको और लोकल फूड की दुकानें हैं। चलो जी इधर गर्मा गर्म दूध है और पकौड़ा जलेबी, इनमें से गर्म क्या है भैया, कचौरी गर्म है ना। ये आ गई जी इसमें आलू छोले की सब्जी, आलू छोले है ना, फुल तरी मार के। हमारे यहाँ पे कड़ी के साथ देते हैं अजमेर में, राजस्थान में कड़ी कचौरी। हम आए कचौरी आई, आनंद की अनुभूति। हाँ जी कैसा है, ठीक है। हमारी मनसा को बहुत पसंद है कचौरी, क्यों। तो दोस्तों हम सबके सभी भुलक्कड़ निकले, गाड़ी खड़ी करके भूल गए कहाँ खड़ी करी थी, अब वीडियो में देख देख के पूछ रहे लोगों से भैया पार्किंग का है, पार्किंग का है। हमें जहाँ तक लग रहा है इधर से रास्ता है ऊपर का, आधा घंटा हो चुका है ढूंढते ढूंढते भाई, थका के रख दिया आज तो ऐसे घूमे
आधे घंटे बाद फाइनली अब हमें हमारी गाड़ी मिली है। बहुत आगे तक चले गए थे और आगे जाके पता लगा रास्ता ही बंद है, इतना कीचड़। साथ आ गए यार वो खड़ी नीली गाड़ी के पीछे। चलिए जी यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये थोड़ी गली पतली है। सर ये माना विलेज किधर है? माना, थैंक यू। चलिए जब हमारी अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। माना विलेज के रास्ते में हमने कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के कैंपिंग करेंगे आज, देखते हैं आज सक्सेस हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और माइनस में टेम्परेचर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी टेम्परेचर बता रहा है 5 डिग्री। मेरा फोन का नेटवर्क आउट हो गया था इसलिए सागर भाई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं और बता रहे हैं बहुत ही अच्छी कैंपिंग लोकेशन मिली है, वहां जाके हम देखते हैं हमारे हिसाब से सही है या नहीं है, क्योंकि वो दोनों कार कैंपिंग कर सकते हैं। अभी हम थोड़े मेंबर ज्यादा है और बच्चा भी साथ में है, ठंड बहुत तेज है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। जो भी बेस्ट होगा करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखे जी साइड में, लेफ्ट साइड में आपको शायद ढंग से ना दिखे, हेलीपैड है यहाँ का बद्रीनाथ का, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है यार। अभी आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरा हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। ये देखिए छोटी सी बच्ची जा रही है अपनी मस्ती में डांस करती करती, हाँ बहुत क्यूट थी। ये एक रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा है, इसमें ही हो गया आप? ठीक है आ गया मैं इस रास्ते पे आ गया। ठीक है तो देखिए जी मुख्य सड़क से ये साइड का एक रास्ता कट रहा है, कच्चा रास्ता है, और सागर भाई ने वहां पे मिलिट्री से परमिशन ले ली है, आर्मी एरिया में है। बहुत ही गजब वैली है यार, बहुत ही गजब वैली। ये देखिए जी सामने ब्रिज है बहुत बड़ा अलकनंदा नदी पर। ऐसी ऑफ बीट जगह पे कैंपिंग करने का मजा कुछ और होता है, भीड़ भाड़ से अलग दूर एकदम शांति में, और वो भी अपनी फैमिली के साथ, तो भाई साहब मजा आ जाए। तो ये किया जी हमने ब्रिज क्रॉस, और इसके बाद भी ऊपर तक है रास्ता, पूरे टॉप के ऊपर लेके चलेंगे आज आपको पूरे टॉप पर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार लोकेशन मिली है, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा। बस एक टेंशन है बारिश की, कल वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सर्दी है भयंकर वाली, मतलब मजा आने वाला है। वो सामने रही मेन रोड, वहां से हम क्रॉस करके इधर आए, और ये पीछे अभी तो पूरे बादल आ रखे हैं, बाकी बहुत शानदार वैली है, देखिए पूरी ग्रीन वैली है। तो गाइस देखिए हमारा पूरा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना बाकी है। किचन तो आपने देख ही लिया है, और आज देखिए हमने क्या जुगाड़ किया है। ये देखिए ऊपर तिरपाल डाल दिया और टेंट को वापस लगाया है हिम्मत करके। अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा यार चारों ओर, मतलब ये क्या बताऊँ आपको, बादल ही बादल हो रहे। देखिए वो सामने एक बिल्डिंग है, तो सुबह हमारा टॉयलेट वगैरह वॉशरूम का जुगाड़ वहाँ पर हो जाएगा। अभी एक भैया आए थे आर्मी से ही थे, उन्होंने बोला कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो आप लोग बोल देना। हाँ आर्मी वालों ने जितना हेल्प किया ना किसी ने नहीं किया, सच में यार आर्मी का बहुत सपोर्ट रहता है। आगे होके वो बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बोल देना। एक बार भाई का भी सेटअप दिखा दें आपको, सागर भाई ने देखो कार कैंपिंग स्टार्ट करी है कल से, हाय 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 इनका तो अलग ही माहौल है। देखिए पूरी स्प्रिंग लाइट्स वगैरह फैन वगैरह लगा के पूरा 5 स्टार कैंपिंग का जुगाड़ है आज। सागर भाई ने किया, मैंने किया। अच्छा जी भानु मैडम, हम अपने शब्द वापस लेते हैं, भानु मैडम ने किया है ये मेहनत सारी, भानु मैडम की है। नॉक नॉक गेट खोलना तो। अरे वाह ये मनसा ने तो अपना घर बना लिया भैया अंदर। ये देखिए जी ये देखिए पढ़ाई हो रही है क्या? हाँ। और ये मखाना खा रही है अब चेरी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और इधर हमारी मैडम चिक्की मखाने की पार्टी कर रही है, जो कि सागर भाई ने ऑफर किया है, भाई हमारे बहुत फेवरेट है, हम हर बार लेके आते हैं लेकिन इस बार भूल गए जल्दबाजी में, और हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के। थैंक यू। जैकेट निकल गई, अब जैकेट निकल गए भैया, रात का टेम्परेचर जाएगा माइनस में। हाँ जी चिक्की मैडम क्या खिलाने वाले हो आज? हम खिलाएंगे आपको, सबसे पहले तो बता दें मौसम है बहुत ठंडा, ठंडा तो है फुल ठंडा है, और तेज वाली सर्दी है, और सच में इस मौसम में अगर हम राजस्थानियों को गरम गरम दाल बाटी मिल जाए ना तो फिर घूम फिरा के दाल बाटी, मुझे पता था बेटा तुम दोनों जब सास बहू है वो चाय पीते टाइम घुसर घुसर कर रही थी ना, ये मम्मी का आइडिया है ना आज का। चलो जी, और आज हमने एक स्पेशल तरीके से बाटी बनाएंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये सबसे पहले ली हमने दाल, ये चिक्की ने दाल चढ़ा दी है, इसमें अब मसाले आएंगे, बढ़िया एकदम टकाटक बना देना भाई। भाई टकाटक तो नहीं बनेगी इसका मजा अलग होता है, इसका मजा सच बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों हमने लास्ट टाइम जब लद्दाख की ट्रिप करी थी पेंगोंग लेक के ऊपर दाल बाटी बनाई थी यार, इतनी तेज हवा चल रही थी ना, और उस टाइम हमारे मन में नहीं आया, एक आइडिया था, मेरी एक फ्रेंड रहती है सिंगापुर, उसने आइडिया दिया, वो भी ये वीडियो देख रही होगी, तो उसने आइडिया दिया कि भाई तुम दाल बाटी है ना इस बार जो अप्पे का साचा होता है ना उसके अंदर बनाना,
छोटी छोटी जो बाटी है। तो आज हम नए स्टाइल से बाटी बनाने वाले हैं, हो सकता है आप लोग भी घर पे उस स्टाइल से बनाते होंगे। मुझे क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे बनाना, तो बिल्कुल इस बार हम पूरा क्रेडिट आप दोनों को देने वाले हैं। तो हमारा वीडियो भी देखना, एंजॉय करना और देखना इस बार कितनी शानदार बाटियां बनने वाली है। लो जी, अब हमारी माता श्री हमारी मम्मी ने कमान संभाली है और चिक्की उधर लगाएगी आटा, जिसमें वो परफेक्ट है। क्यों चिक्की, देख लेना क्या स्पीड से लगाई खटाखट। और इधर मम्मी देखो आप, ये फटाफट टमाटर मिर्ची वगैरह दाल के हिसाब से काट रही है। दाल चढ़ चुकी है हमारी, मतलब इतना स्पीड से बनेगा ना, मैं टाइम नोट करूंगा भाई आज और रियल टाइम बताऊंगा। ये आ गया जी आटा, सास बहू दोनों मिल जाती है ना, फटाफट बन जाता है। ऐसी बात है, चलो देखते हैं। चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है जी, चैलेंज एक्सेप्ट आपका। तो ये आ गया जी, इसमें थोड़ा ऑयल मोन डालने के लिए, इससे बाटिया बहुत सॉफ्ट बनती है। देख मुझे सब पता है, सब पता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा खाओ पियो ऐश करो लग चुका है, ये इसका प्रोटेक्टर है। गाइस देखिए कितनी बारीक बारीक ये जो ओस की बूंदे आ रही है ना हवा के साथ, देखो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, और चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, पूरे बादल ही बादल है। तो इधर आटा लगना स्टार्ट हो चुका है, 5 मिनट के अंदर देखना आटा लगा देगी। ये जी ये ताकत लग रही है, दिन भर का हमारा गुस्सा इस पे निकल रहा है आटे पे। क्यों, किस बात का गुस्सा? अरे हमें सब पता है। लो जी खटाखट चिक्की की बाटियां रेडी है। देखिए जी देखिए क्या गोल मटोल बाटी बनी है। लो जी तो बारिश का नाम लिया और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं सोचता हूँ वाला जो तिरपाल पड़ा है ना वो इसके ऊपर लगा देता हूँ। देखिए जी हमने ये टार्प लगा दिया है, तिरपाल मतलब, और ये हमारी बाटियां रेडी है। शिवाय परेशान कर रहा था तो चिक्की ने शिवाय को ले लिया है। बाहर बारिश हो चुकी है अच्छी वाली और ठंड है जोरदार वाली। तो ये अभी हमने आते आते बड़ा वाला अप्पे का साचा ले लिया था। अप्पे तो आपने देखा ही होगा, साउथ इंडियन डिश है। तो अब इसमें फटाफट बाटियां सेकेंगे और देखना कितनी शानदार सेकती है। ये देखिए जी ये देखिए इन्होंने क्या जुगाड़ करा है सागर भाई ने बारिश में। पर आपके यहाँ पर जो है ना ये देखो ये कुछ और बोल रहे हैं, ये देखो कितना ये पानी हो चुका है। पर ये तो वाटरप्रूफ है ना? हाँ वाटरप्रूफ है। और इधर हमने देखिए पूरा जो हमारे पास टॉर्क पड़ा था तो छींटे वगैरह नहीं आए, तो टॉर्क लगा लिया इस पे। तो दोस्तों पता नहीं अब ये ऐसा मौका कब पड़े लाइफ का, मतलब हमने ऐसा एडवेंचर किया है ना, लद्दाख में हो गया, स्पीति में हो गया, मतलब रेगुलर हर 1.5 महीने के अंदर लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, और इस बार हमारे चार धाम की यात्रा की शुरुआत है। क्या पता एक धाम ही होगा, दो धाम होगा, जो भी होगा 8 से 10 दिन के अंदर हम हमारे कैंपिंग को एंजॉय कर रहे हैं और भगवान के चरणों में बैठे हैं। और ये देखिए बद्रीनाथ जी मतलब बद्री विशाल जी की नगरी में यहाँ पे दाल बाटी हमारा जो हमारा राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड माना जाता है, मतलब कुछ भी शुभ काम होता है ना हमारे इधर पुष्कर साइड में या इधर, तो सबसे पहले दाल बाटी की रसोई बनती है और उसी का भोग लगता है भगवान के। तो चलिए आज उन्हीं के नाम से रसोई करते हैं यहाँ पे और उन्हीं को भोग लगाते हैं। एकदम फिट आइए, देखो आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये भी सरके हुए हैं क्या क्या बना के खाते हैं सफर में, लेकिन यार मतलब इसका अपना मजा है। जब अपन ने किचन सेटअप बनाया ही है और उसमें सब चीजें बन सकती है, मैंने सब सुविधा दी है, तो क्यों ना अपन अपनी जो फेवरेट चीजें हैं वही बना के खाएं। जो हम करते हैं वो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, मतलब स्पेशली हम क्या यूट्यूब के लिए नहीं कर रहे हैं, और जो भी हम करते हैं हमारा रियल लाइफ का जो अनुभव होता है अच्छा और बुरा सब आपसे शेयर करते हुए जाते हैं और डिटेल में आपसे वीडियो शेयर करते हैं, और आप लोगों को इतना प्यार भी मिल रहा है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे से आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहें। और इधर ये देखो ये सबसे बदमाश बच्चा, क्या खा रहे हो आप? मखाना, इसका बहुत फेवरेट है, हम लाना भूल गए इस बार, वरना हमेशा तल के लाते हैं। ये देखिए जी ये देखिए, मात्र 7 से 8 मिनट लगे और हमारी बाटियां सिक चुकी है, ऑलमोस्ट सिक चुकी है, और इसमें खूब सारा घी मिलेगा, उसके बाद ये पेट में जाएगी हमारे। चूरमा भी बनाएंगे दोस्तों, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो। ये देखो तो गाइस हमारी बाटिया इधर रेडी है, उसमें हम खूब सारा घी डालने वाले हैं अब। ये देखिए जी ये देखिए हमारी गर्मा गर्म गोल्डन बाटिया, भाई आज तो मजा आ जाएगा। ये देखिए सिक गई हमारी बाटिया। ये देखिए जी ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और ये इसको डुबो दिया हमने घी में, एक छोटा कैसरोल लेकर आए थे ताकि क्या है गर्म रहेगा इसमें। ये सागर भाई ने एक कटोरी खिचड़ी शिवाय के लिए दी है इधर। शिवाय आपका काम तो हो गया बेटा, बढ़िया आज तो शानदार बनी है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये टूट गई, ये तो यही टूट गई। कहाँ जगह है इसमें? अरे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, अभी इंस्टाग्राम पे रील चल रही है ना, बहुत जगह है, बहुत जगह है, वो वाला सीन हो गया गाइस यहाँ पर। तो ये आ गया जी इसमें गरम मसाला, और ये इधर देखिए जी हमारा शिवाय बेबी गाड़ी में बैठ के खिचड़ी खा रहा है। आज बनी एकदम परफेक्ट वाली जो होती है ना, क्योंकि आज मम्मी का भी रोल था उसमें, चिक्की का भी रोल था, और कुछ हमने उसमें एक्सपेरिमेंट भी करा था, हमारी जैसे फ्रेंड ने बताया था करा था। और सबसे मेन चीज़ आज मौसम एक नंबर हो रहा है, चारों ओर बिल्कुल अंधेरा है, बादल ही बादल है, पीछे अलकनंदा नदी बह रही है हमारे, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, और सबसे मेन चीज़ सेफ्टी के हिसाब से पीछे हमारे
आर्मी के जो हाउस बन रखे हैं वो है। तो चलिए अब दाल बाटी का एंजॉय करते हैं। ये गया देखिए हमारी दाल। अब देखो जी, अब देखो आप, अब आया ना कलर मस्त एकदम। चूरमा बना रही, चूरमा। अरे वाह, मतलब आपने जो दो बाटी रखी थी साइड में ये चूरमे के लिए रखी थी ना। इस परात में बना लो और ड्राई फ्रूट भी डलेगा हमारे चूरमे में, ड्राई फ्रूट के बिना अधूरा है जी। ये देखिए अब बाटियों को चूर लिया पूरा, इसीलिए इसको चूरमा बोलते हैं। तो हमने दो बाटियां एक्स्ट्रा रख ली थी चूरमे के लिए। इसमें घी मिलाएंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे और बूरा होता है ना, बूरा। तो ये हमारा राजस्थानी डेजर्ट है, लोकल डिश, कभी आप ट्राई करना, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए जी, इसे चूरमे को चूर चूर के बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम चूरमा है। इसमें घी हमने मिक्स कर लिया है बाटियों में और अब इसमें बूरा मिलाएंगे और उसके बाद मिलाएंगे इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत। तो दोस्तों आज बनी हमारी कंप्लीट दाल बाटी चूरमा, मतलब चूरमे के बिना अधूरी रहती है। अभी तक हमने ट्राई नहीं किया था चूरमा बाहर, लेकिन हमारी मम्मी की कृपा से चूरमा भी बन गया है आज। तो पूरा कंप्लीट पैकेज बनाएंगे और खाएंगे बढ़िया, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारा फाइनली चूरमा तैयार है और बहुत ही अच्छा लगेगा गर्मा गर्म चूरमा। लो जी, तो ये फर्स्ट प्लेट जाएगी सागर भाई के पास, उनका खाना डिनर स्टार्ट हो चुका है। लो जी सागर भैया, राजस्थानी खाने के भी मजे लो। हां जी, हां जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका ये फर्स्ट टाइम है दाल बाटी का ट्राई करके बताएंगे। ये चूरमा है, राजस्थानी डेजर्ट है, मतलब स्वीट डिश है। और ये दाल हो गई, दाल में हो सकता है आपको मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा लगे, लेकिन मैनेज कर लेना। और ये इसको बाटी को चूरो, उसके ऊपर दाल डालो मिक्स करके और वैसे खाओ। मतलब इसको चूर के इसमें डाल दो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह क्या, तो ये सर भी आए। अरे वेरी गुड, गुलाब जामुन तो कुछ है नहीं हमारे, तो इसमें से उठा लूं मैं। गरीब खाना है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आपके कारण तो देश चल रहा है यार। चलो भाई चलो, आज भैया की तरफ से पार्टी हो गई आज। अरे पार्टी नहीं, सुबह खाना खिलाएंगे आपको तो देखिए जी, देखिए फुल खातिरदारी हो गई आज। तो पास में से भैया है जो मिलिट्री में है, तो चूरमे के साथ साथ आज गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी है। ये देखिए जी, ये देखिए, ये हो गई पूरी सर्विंग प्लेट में। तो दोस्तों आज तक का सबसे बेस्ट अनुभव है, एक्सपीरियंस है बद्रीनाथ जी के यहाँ पर। सही आधा एक किलोमीटर की दूरी पर हम माना विलेज वाले रास्ते पर हैं। लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो आज हम पहली बार, मतलब मैं पहली बार नहीं, चिक्की और चेरी। हाँ जी, तो हमने शुरुआत करी है खाने की हमारे गुलाब जामुन से, जो पास में मिलिट्री वाले जो भैया थे, फौजी भैया, वो लेकर आए थे। उनका नाम तो मैं नहीं, उनका नाम पूछना मैं भूल गया या मुझे याद नहीं रहा। और इधर बाटी की शुरुआत हो चुकी है, चटनी सागर भाई ने बनाई दी थी। बाटियों को जो चूर के खाते हैं ना, उसके अंदर दाल मिलाओ, चटनी वगैरह ये सब चीज मिला के उसके बाद खाओ, और एंड में एक एक पीस चूरमे का लेते जाओ। तो अब दिखाते हैं आपको कैसे चूर के खाते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए हमारी चिक्की मैडम, ये गई इसमें दाल, और इसको एकदम देसी तरीके से खाया जाता है। ये देखो पाए वाये चढ़ा के, कोई शर्म नहीं। बाटिया सच में देखिए, ये यू टूट रही है, कितनी सॉफ्ट बाटिया बनी है। वेरी गुड, कैसी लगी चेरी? देखिए जी, मेरे को ऐसा चूरना तो नहीं आता, लेकिन ये खाना तो चूर के ही खाया जाता है। कोई बात नहीं, पहला बाइट ऐसे लेता हूँ चम्मच से, ये डूबा है इसको दाल में। कैसा लगा? नो वर्ड्स, आज तक की सबसे बेस्ट जो दाल बनी है ना, मतलब क्या बताऊं आपको, शानदार। इसे कहते हैं 5-स्टार कैंपिंग हमारी नजर में। तो चलिए हम दाल बाटी एंजॉय करते हैं, आप हमारा वीडियो एंजॉय करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना, भूलना मत सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो गाइस गुड नाइट कहने का टाइम आ चुका है, चेरी और मम्मी गाड़ी के अंदर सोई है। चलिए सुबह मिलते हैं आपसे एकदम फ्रेश ब्लॉग के साथ इसी लोकेशन पर, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड नाइट, गुड नाइट।